आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सब्सिडी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 13वें सीजन के पहले मैच में मौजूदा विजेता टीम मुंबई इंडियंस को मात देने वाली चेन्नई सुपर किंग आज अपने दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने होगी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की पूरी कोशिश रहेगी कि वह दूसरे मैच में भी जीत हासिल करे। वहीं स्मिथ की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स इस सीजन का पहला मैच आज वो खेल रही है, वह भी जीत के साथ आज इस मैच के साथ आगाज करना चाहेंगे। वहीं मुंबई के खिलाफ चेन्नई का प्रदर्शन को देखते हुए रॉयल्स का टीम प्रबंधन निश्चित तौर पर अपने खिलाड़ियों को कुछ अतिरिक्त वो राजस्थान रॉयल्स चाहेगी, क्योंकि सीएसके ने अभी तक आईपीएल का हर सीजन में यहां पर अच्छा मैच खेले हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है, इस बार भी उसको शुरुआत अच्छी मिली है। वहीं चेन्नई के लिए रायडू और डुप्लेसी ने बेहतरीन पारियां खेलते हुए टीम को जीत ली थी अगले मैच में पहले मैच में। वहीं शुरुआती ओवरों में मुंबई के गेंदबाजों द्वारा दिए गए झटकों के बाद रायडू और डुप्लेसी टीम को उन्होंने संभाला था। वहीं यूए की कंडीशन में मुंबई के गेंदबाजों को यहां पर चलने नहीं दिया था। वहीं मुरली विजय और सैन वॉटसन ने मुंबई के खिलाफ पारी में शुरुआत तो की, लेकिन जल्दी जल्दी वो आउट हो गई। सैम करन को धोनी ने प्रमोट किया था और कुरन ने 6 गेंदों पर यहाँ पर 18 रन बनाए और उससे जस्टिफाई भी उन्होंने किया। वहीं चेन्नई की बल्लेबाजी इस तरह लग रही थी तो गेंदबाजों ने पहले मैच में निराश नहीं किया, नियमित अंतराल पर वो विकेट लेते रहे। चेन्नई की गेंदबाजी नए गेंदबाजों ने सुनिश्चित किया कि मुंबई को बड़ा स्कोर नहीं कर सके और इसने चेन्नई ने 5 विकेट से जीत यहाँ पर जीत दर्ज की है। वहीं पीयूष चावला को चेन्नई टीम में अहम माना जाता है, लेकिन 21 साल के इस लेग स्पिनर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल उन्होंने किया शानदार गेंदबाजी करते हुए। 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन खर्च करते हुए 1 विकेट भी लिया। वहीं इसी तरह लुंगी और रविंद्र जाडेजा और दीपक चाहर ने भी जरूरत पड़ने पर अपना रोल निभाया, लेकिन चेन्नई की टीम प्रबंधन साफ तौर पर चाहेगी कि वे तीनों पहले मैचों की तरह ही रन ना लुटाए। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स आईपीएल के पहले सीजन 2008 के अलावा उन्होंने कभी भी ट्रॉफी नहीं जीती है। 2020 सीजन को देखते हुए रॉयल्स अपने टीम में T20 के कुछ बड़े खिलाड़ी लेकर आए हैं, जिसमें रोबर उप्पा और सेस गोपाल और वरुण एरोन के अलावा कुछ युवा और यशस्वी खिलाड़ी हैं, जिसमें युवा यशस्वी जायसवाल और रियान पराग और कार्तिक त्यागी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने युवाओं और अनुभव का अच्छा मिश्रण बनाने की यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने कोशिश की है। बेन स्टोक और स्मिथ के साथ राजस्थान रॉयल्स ने शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों को भी अपने साथ जोड़ा है। वही स्टोक का हालांकि पहले मैच में खेलना पक्का नहीं है। वहीं राजस्थान उम्मीद करेगा कि ओपनर जोस बटलर 2019 आईपीएल के अपने फॉर्म को इस सीजन में जारी रखेंगे, वो उसी तरह रन बनाएंगे जो पिछले सीजन में रन बनाए थे। वहीं पिछले सीजन में बटलर ने 8 मैचों में 311 रन बनाए थे। बटलर को अगर संजू सैमसन का यहां पर साथ मिलता है तो वह अपनी टीम के लिए बड़ा स्कोर तक खड़ा कर सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी चिंता है की रहेगी जो इस समय न्यूजीलैंड में है वो कब आएंगे, इस पर स्थिति अभी साफ नहीं है। टीम पर यहां पर बेन स्टोक पर काफ़ी हद तक राजस्थान रॉयल्स निर्भर रहेगी, वह जितना जल्दी टीम के साथ जुड़ेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। और इसके अलावा जोफ्रा आर्चर और जयदेव नकट, वरुण अंकित और यहां पर राहुल म्यांग और थॉमस और एंड्रू ट्राई के रहते यहाँ पर टीम को कुछ अच्छी गेंदबाजी का विकल्प यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के पास है। इस बात पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि ये लोग यूएई की स्थिति को कितने साथ कितना जल्दी एडजस्ट कर पाते हैं। वहीं दिन बात करें दोनों टीमों की तो दोनों टीमों के बीच अब तक यहाँ पर निश्चित तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर चेन्नई का पल्ला यहाँ पर भारी है। चेन्नई ने दोनों टीमों के बीच अब तक हुए कुल 21 मैचों में से 14 मैच चेन्नई सुपर किंग में जीते हैं, बाकी मैच राजस्थान रॉयल्स में जीते हैं। जो संभावित प्लेइंग 11 है उनमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग दोनों की यहाँ पर स्थिति है। चेन्नई सुपर किंग के पास कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, केदार यादव, रविंद्र जाडेजा, पीयूष चावला, डेविन ब्राव और करण शर्मा, सैन वॉटसन, शार्दुल ठाकुर, अभय रायडू और मुरली विजय, डुप्लेसी और इमरान ताहिर, दीपक चाहर, लुंगी और मैसल सेटनर और आसिफ और नारायण जगदीशन, मनु कुमार, ऋतुराज गायकवाड़ और हेजलवुड और सैम कोरेन यहाँ पर टीम में है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स में कैप्टन स्मिथ और अंकित राजपूत, बेन स्टोक, आर्चर और बटलर, महिपाल और मनन वोहरा, माइक मारकंडे और राहुल और रियान पराग, संजू सैमसन, संसांग सिंह और श्रेयस गोपाल और
वरुण एरन, रोबिन उथप्पा, जेडवना कट और यशस्वी जायसवाल और अनुज रावत और आकाश सिंह, कार्तिक त्यागी और डेविड मिलर और ऑसिन थॉमस और अनिरुद्ध जोशी और एंड्रू टाई और टीम कुरेन, यहाँ पर टॉम कुरेन यहाँ पर टीम में राजस्थान रॉयल्स की संभावित 11 बताई जा रही है।